सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि शिल्पा शिंदे ने टेलीविजन इंडस्ट्री ही छोड़ दी थी। उसके बाद वो बिग बॉस 11 में नजर आई, 11 को उन्होंने जीता। लेकिन अब वापस से इतने सालों बाद बिग बॉस 11 के बाद अब उन्होंने वापसी की झलक दिखला जा 10 से। और जैसे ही वो लौटी हैं ऐसा लगता है कि फिर एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है। जी हाँ, झलक दिखला जा के जो जजेस हैं उन सभी पर इस वक्त बड़ा बयान दिया है शिल्पा शिंदे ने। खुद शो का हिस्सा है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने जजेस को चैलेंज किया है, जजेस पर ब्लास्ट किया है, वो वाकई देखने लायक वीडियो है और मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरा वीडियो, तो आप गौर से सुनिएगा और देखिएगा। लेकिन उसके पहले वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। शिल्पा शिंदे ने जितने भी जजेस हैं उन सभी को चेतावनी दी है कि आप लोग जरा लिमिट में रहो। आगे आप खुद देखिए ये वीडियो। खास मेरा झलक दिखला जा के पैनल पे बैठे हुए जजेस के लिए है। मैंने निया का लास्ट परफॉर्मेंस देखा, उसके ऊपर जो पॉइंट्स दिए और कमेंट्स किए मैं चुप रही। इस बार जो हुआ परफॉर्मेंस के बाद जो कमेंट्स किए गए, मुझे पूछना है कि करण सर क्या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म देने वाले हैं या 3 मिनट के एक्ट में आपको डांस नहीं दिखा? आप कहते हो आपको अलग चीज भी चाहिए, एंटरटेनमेंट का शो है, आप सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट लेते हो, कंटेस्टेंट्स लेते हो, आपको क्या चाहिए? आप ऑस्कर अवार्ड देने वाले हो, आप नेशनल अवार्ड देने वाले हो, बताइए। मतलब उस 3 मिनट के एक्ट के लिए एक आर्टिस्ट क्या कर रहा है आपको पता भी है? कंपटीशन नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी कंपटीशन है। आप रुबीना का वीडियो निकाल के देखिए, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था, उसका कोई भी नतीजा हो सकता था। इसके बाद क्या इसके जिम्मेदार जजेस है? फिर बाद में कैंडल लेकर रास्ते पर निकलने का कोई मतलब नहीं है। जब तक इंसान है उसकी कदर करो, बाद में मत भौंको। लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एंटरटेनमेंट का शो है उसको उसी तरीके से लो। फैंस आपस में फाइट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज के लिए कर रहे हैं यार। अपने आर्टिस्ट को, जिस आर्टिस्ट को पसंद करते हो उसकी रिस्पेक्ट करो। आप लोग उठ के बकवास करने में क्या जाता है किसी का? और यार हम लोग पता है पानी नहीं पी पाते क्योंकि हम सुसु नहीं जा पाते, इतनी हालत खराब होती है। ये सिर्फ 3 मिनट का एक्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। मेरी तो तबीयत खराब हो गई। हे भगवान, कोई तो जजेस को ये सोचना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ने की रिक्वेस्ट है कि जो कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करो और वैसे कमेंट्स करो क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आगे निर्भर करती है। तो देखा आपने, शिल्पा शिंदे ने यहाँ पर वाकई सारी असलियत जो है शो की वो सब बता दी है। अब आपकी बारी है, आप शिल्पा शिंदे के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर।